हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर द्रोदिया और अपना यूट्यूब चैनल है सुंदर पिज़्ज़ा वाला के नाम से। दोस्तों आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही गरीब परिवार है तो इसलिए बना रहा हूँ। अब सरपंच के इलेक्शन है और पहले तो जो ये पार्टी वाले हैं, नेता हैं या कोई भी लगा लो, जब भी वोट मांगते हैं तो घर पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार है उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। एक ऐसा मकान है जो कि बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है और जब भी बारिश आती है तो पानी गिरता है और नीचे जो रखे होते हैं, बर्तन होते हैं या फिर कपड़े वगैरह होते हैं, सभी भीग जाते हैं। मैं उनको जो कमरे बने हुए हैं उनकी हालत आपको दिखाऊंगा। अभी अभी आओ मेरे साथ में, आ जाओ भाई। ये एक ऐसा परिवार है जो कि मकान की सख्त जरूरत है लेकिन इनको मिल नहीं रहा। एक बार मकान दिखाओ भाई। ये देखिए, बिल्कुल ही गरीब परिवार है और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत गरीब हैं और इनको मतलब ये बोल नहीं पा रहे किसी के सामने। अभी हम इनसे बात भी करेंगे। ये देखिए, आइए मेरे साथ। ये अंदर का है, बिल्कुल ही ये देखिए, इस साइड दिखाइए, ये देखो, जिसको जरूरत है उसको मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही मतलब ये देखिए क्या हालत है। ये खाट, ये देखिए आप, जो कि आप सभी को पता है, जिसको जरूरत होती है उनको बहुत ही कम चांस मिलता है। अभी हम बात करेंगे, आओ मेरे साथ। तो दोस्तों अभी सरपंच के इलेक्शन है तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनके पास जो भी आए घर की हालत देखें और फिर इनसे कुछ वोटों की अपील करें। देखिए आप ही बताइए, क्या इनको आ गया भाई, क्या इनको जरूरत नहीं है मकान की? ये देखिए, हाँ तो आओ मेरे साथ में, अभी बात करेंगे। राम राम। राम राम। तो ये बताइए, आपका मकान किस लिए नहीं बन पा रहा है? ये कि मैं सरपंच की कमी याद है भाई, बता रहे हैं सरपंच की जो कमी है उसके कारण नहीं बन पा रहा। अच्छा, यहाँ पे कोई आए भी थे मकान के लिए? आए थे, एक चौकीदार आया था, रेको रहा था, मेरा कौन, वो कौन था? अच्छा, क्या बोल के गए थे आपको? मेरे मकान के पीछे दुआवांगे अंगूठे ला जो। अच्छा अच्छा, तो आपने अंगूठे लगा दिए। अच्छा तो ये बताइए कब की बात है ये? 4-5 महीने हो गए। अच्छा, 4-5 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनकी। अच्छा ये बताइए, अब की बार जो सरपंच इलेक्शन है जनवरी में, तो क्या मदद चाहोगे आप सरपंच से? मकान की चाहेंगे। मकान की चाहोगे? अच्छा, वो साइन भी नहीं मारते। साइन नहीं मारते? हाँ। क्या बोलते हैं? पाछा यो इबे कोनी हो यो। अच्छा ये बोला, पाछा यो इबे किमी कोनी हो, टेम कोनी बे। अच्छा अच्छा, तो भाई ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत गरीब है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं करता। तो मैं तो यही चाहूँगा आने वाले जो भी हमारे गांव के सरपंच हैं इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनका जो मकान है वो जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें ताकि ऐसे गरीब लोगों की मदद हो और जो गरीब परिवार हैं सभी अच्छे से रह सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तो
ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, धन्यवाद।